अपने इस YouTube चैनल में डिजिटल बेसिक ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, आपके लिए मैं खुश कुछ खास वीडियो यहाँ पे लाया हूँ। जो जादूगर, जो बंगाल के जादूगर से आए हैं और सारे जादूगर भी हैरत अंगेज हैं कि कैसे कैसे कलाओं के साथ ये आए हैं। चलिए आपको मैं ले चलते हैं अपने खास जादूगर के पास। हाँ दोस्तों, आपके मनोरंजन के लिए आइए, हम आपको लेकर चलते हैं जादुई मायाजाल की दुनिया में। जादुई मायाजाल, चीन, बंगाल, आसाम और नेपाल का जादू जिसे कहा जाता है, वो आज हमारे भारत में जादुई मायाजाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए, आपके मनोरंजन के लिए हम आपको ले चलते हैं जादुई मायाजाल की दुनिया में। आइए, हमारे हाथों में देखिए एक छोटा सा रुमाल है। ये छोटा सा रुमाल जो है, इस छोटा सा रुमाल अगर हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं तो ये डंडे का भी काम कर सकता है। और ये रुमाल रुमाल ना होकर के, क्योंकि जादूगर को एक आवश्यकता होती है जादू की छड़ी की। तो आइए, पहले इस रुमाल से हम जादू की छड़ी को तैयार करते हैं आपके सामने। धीरे धीरे छो छो गिले छो गिले छो गिले गिले छो गिले गिले छो गिले गिले छो गिले छो गिले छो। आइए 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 आइए, गिले गिले छो। ये देखिए हमारी जादुई मायाजाल की छड़ी आपके सामने बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आइए अगले आइटम की तरफ, हम दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब ये जो जादू की छड़ी तैयार हुई है, यही जादू की छड़ी आप लोगों को अगले आइटमों की मदद करेगी। ये हमारे हाथों में एक बहुत सुंदर ही गुलदस्ता है। गुलदस्ता, जब तक उसमें फूल नहीं होते तब तक गुलदस्ता गुलदस्ता नहीं लगता। तो इसलिए हम इस गुलदस्ते के ऊपर अपने जादू मायाजाल की छड़ी को घुमा देते हैं और घुमाने के बाद इसमें जादू लग जाता है। देखिए कैसे ये गुलदस्ता आपके सामने, इस गुलदस्ते को हम ऐसे करेंगे, ऐसे करने के तुरंत बाद इसमें देखिए फूल तैयार हो जाता है। इस फूल को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, पकड़ने का अपने मुँह में खा लेते हैं, गायब हो जाता है। फिर उसके बाद में मुँह से निकाल के हम इसको गुलदस्ते में फिर सजा देते हैं, फूल हमारा फिर तैयार। आइए देखिए, हमारे पास में एक बहुत ही बेस्ट जादू है। ये जादू देखिए, इस जादू में क्या है, हमारे पास में एक रस्सी है। ये रस्सी तो है, इससे अगर हम चाहें तो फांसी का फंदा बना सकते हैं, अपने जानवरों को बांध सकते हैं। लेकिन अगर हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं और एकाएक रास्ते में हमें कुत्ता मिल जाए, ये रस्सी न होकर के बल्कि डंडे का काम करती है। तो कैसे करती है, इसके ऊपर हम तो जादू मायाजाल की छड़ी को ऐसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद में इसमें जादू लग जाता है। तो इस रस्सी को हमने ऐसे सीधा किया और इस सीधा करने के बाद हमने कहा गिली गिली छू, सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा। और जो ही हम कहते हैं त्यों ही हमारी रस्सी तैयार हो जाती है। ये जादू मायाजाल की छड़ी हमारी तुरंत तैयार हो जाती है। और फिर इससे कहते हैं फिर उस पहले वाले रूप में आ जाओ, फिर वो उसी रूप में आ जाती है। ये देखो रस्सी हमारी उसी तरह से है जिस तरह से पहले थी। फिर इसको हमने सीधा किया, सीधा करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जादू लगाया और रस्सी हमारी फिर तैयार। आइए, हम जब अपने घरों में अपने यार दोस्तों के साथ में बैठते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी बीमारी है और ख़ास तौर से हमारे गांव में होती है, ताश खेलने की बीमारी। लेकिन हमारे पास में हम अकेले ही खेलते हैं, हम दूसरे को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जादू मायाजाल है उसके द्वारा हम अकेले ही अपना जादू के द्वारा ताश खेल लेते हैं। कैसे खेल लेते हैं, देखिए हमारा एक मैजिक फ्रेम है आपके सामने। इस मैजिक फ्रेम के अंदर एक ईंट की डुक्की लगी हुई, इस ईंट की डुक्की को हम यहाँ से गायब करेंगे, गायब करने के बाद दूसरी जगह पहुँचा देंगे। तो कैसे गायब होती, इसके ऊपर ये जादुई छड़ी हमने ऐसे ऐसे घुमाई और इससे कहा ईंट की डुक्की से कि तू यहाँ से गायब हो जा। अब ईंट की डुक्की गायब हो चुकी है, आपकी नजरों के सामने से ईंट की डुक्की यहाँ से हट करके हमारे इस फ्रेम के अंदर गई है। ये देखो ये ईंट की डुक्की है, इस ईंट की डुक्की को फिर से हम उसी अपने मैजिक फ्रेम में डाल रहे हैं। ये देखो आपके सामने ईंट की डुक्की फिर हो गई और ये इसका खोल है, जैसे मोबाइल का खोल होता है, अपने घरों में बक्से होते हैं, उसी तरह से ये जो ताश का मैजिक फ्रेम है इसका ये खोल है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर हमने इस मैजिक फ्रेम को ऐसे डाला और डालने के बाद ऐसे निकाल लिया
निकालने के बाद उसको रख दिया हमारी ईंट की डुबकी फिर अपनी जगह पर, ईंट की डुबकी जो हमारी अपनी जगह पर, इसको फिर हमने ऐसे जादुई माया जाल से घुमाया, एक गिली गिली छू यहाँ से गायब हो जाओ, फिर ईंट की डुबकी यहाँ से गायब हो चुकी है और उसी मैजिक फ्रेम के अंदर ये दम मौजूद है। आइए अगला ही बहुत हैरत अंगेज जो आपके नेपाल में जादू चलता है उस जादू को देखिए। हमारे पास में एक जादुई छड़ी है जिसमें इधर से उधर एक तागा लटक रहा है, इस तागे को इधर खींचते हैं तो इधर को जाता है, इधर को खींचते हैं तो इधर को आता है, फिर इसको खींचते हैं इधर से उधर जाता है, तागा इधर से उधर चल रहा है। अब ये जो इधर से उधर तागा चल रहा है, इस तागे को हम जादू माया जाल के द्वारा इस पर जोड़ देते हैं, इधर से उधर को जुड़ जाता है। देखिए जब हम इधर की रस्सी को खींचेंगे तो वो रस्सी भीतर होती है और इस रस्सी को खींचते हैं तो फिर, अब देखिए इधर से इधर का कनेक्शन ये देखो, इधर खींचते हैं तो उधर की रस्सी अंदर जाती है, उधर की खींचते हैं तो उधर को जाती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जादूगर ने इसके अंदर कोई जादू कर रखी है, तो ऐसा नहीं है। हम आपको वो भी दिखा देंगे ये जो हमारी जादू की छड़ियां हैं ये आपस में क्या है, दोनों खाली हैं, कोई इसमें कनेक्शन और ज्वाइंट हमारा नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।